Hello everyone, welcome to Abhishek Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 9 subject English, unit 2, reading C, Ashok Rathore's football Oscar. And today's video lecture we will see vocabulary. So let's start. Match the phrases in column A with their synonyms given in column B. कॉलम ए में जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इनके सिनोनिम्स कॉलम बी में दिए हुए हैं. सो यहाँ पे हमें मैच करना है कि इन वर्ड्स के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ड्रॉप आउट मीन्स होता है छोड़ना. स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी, जैसे जो बच्चे थे लेशन में वो ड्रॉप आउट हो जाते थे स्कूल से, यानी स्कूल को छोड़ करके भाग जाते थे, चले जाते थे. इट मीन्स स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी, यानी किसी एक्टिविटी को करना वो बंद कर देते थे. पिकअप, पिकअप मीन्स होता है टेकअप, यानी उठाना. स्लिप इन, स्लिप इन मीन्स होता है इंसर्ट करना, इट मीन्स अंदर डालना. एंड फिगर आउट, फिगर आउट मीन्स होता है वर्क आउट करना या हल करना. सो इस तरह से कॉलम ए के जितने भी वर्ड्स थे इनको, इनके जो सिनोनिम्स थे वो इस तरह से हम मैच कर सकते हैं. अब हम देखेंगे नेक्स्ट. नोटिस द फॉलोइंग एक्रोनिम्स फ्रॉम द टेक्स्ट. यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है ये बात कि जैसे ऑस्कर है तो ऑस्कर को हम क्या कहते हैं, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं. सो द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वैसे ही एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. वैसे ही सीएनएन का फुल फॉर्म क्या होता है, केबल न्यूज़ नेटवर्क. एंड वैसे ही आईबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क. सो इस तरह से इनके फुल फॉर्म्स होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपैंड द फॉलोइंग एक्रोनिम्स. जो एक्रोनिम्स दिए हुए हैं इनका विस्तारित रूप लिखना है, एक्सपैंड करना है. जैसे फीफा है तो फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फीफा का एफ से हो जाएगा फेडरेशन. फेडरेशन आई से इंटरनेशनल. इसके बाद डी, एफ से फुटबॉल. ए से एसोसिएशन. इस तरह से फीफा, फेडरेशन, इंटरनेशनल, डी, फुटबॉल एसोसिएशन. वैसे ही आईपीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंडियन, पी से प्रीमियर, एल से लीग. इस तरह से आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग. वैसे ही आईसीसी, आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, सी से क्रिकेट, एंड सी से काउंसिल. तो इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. वैसे ही और है एस ए आई, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ए से अथॉरिटी. एंड आई से ऑफ इंडिया. इस तरह से एस ए आई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वैसे ही एस जी एफ आई, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा स्कूल गेम्स, जी से हो जाएगा गेम्स, स्कूल गेम्स. एफ से हो जाएगा फेडरेशन. एंड आई से हो जाएगा ऑफ इंडिया. सो इस तरह से एस जी एफ आई, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया. अब हम देखेंगे नेक्स्ट.
नेक्स्ट है द नेम्स ऑफ सम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैव बीन जंबल्ड अप रीअरेंज देम एक्रोनिम्स. सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ये स्पोर्ट्स के जितने भी इक्विपमेंट्स है उपकरण है वो लिखे हुए हैं एंड इन जितने भी अक्षर हैं इन अक्षरों को हमें अरेंज करना है. जैसे यहाँ पे जैसे दिया हुआ है BDMTNAION इसका अगर हम अरेंज करेंगे तो इन अक्षरों से बनेगा बैडमिंटन एंड इसे हम अरेंज करेंगे इतने अक्षर को तो इन लेटर्स से क्या बनेंगे रैकेट्स. सो ये हो जाएगा बैडमिंटन रैकेट्स. वैसे ही FTBLLOA इससे क्या बनेगा फुटबॉल. सो इस तरह से जितने भी दिए हुए वर्ड्स हैं इसे रीअरेंज करना है, इन्हें रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके एक वैल्यूएबल वर्ड्स बनाने हैं, यानी कि जो इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं उन इक्विपमेंट्स के नाम लिखने हैं. सो इस तरह से हम लिख सकते हैं. जैसे ये वाला हो जाएगा बैडमिंटन, ये है बैडमिंटन जो कि इस तरह का होता है एंड ये हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल इस टाइप का होता है एंड ये हो जाएगा स्कीपिंग रूप जो इस टाइप का होता है. वैसे ही ये है डंबेल्स एंड ये है डाइसेस यानी पासा एंड वैसे ये है बॉक्सिंग ग्लव्स यानी इस इन ग्लव्स का यूज़ करते हैं बॉक्सिंग के लिए, फाइटिंग के लिए एंड वैसे ही ये है बास्केटबॉल जो कि इस टाइप का होता है. एंड ये है टेनिस रैकेट्स, इनसे खेले जाते हैं टेनिस एंड वैसे ही चेस बोर्ड एंड चेसमैन, ये जो दिखाई दे रहा है ये बोर्ड इसे कहते हैं चेस बोर्ड और ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं जो कि ये है इसे कहते हैं चेसमैन, इनसे ही खेला जाता है. ये एक बोर्ड गेम है और दो प्लेयर्स इसे खेलते हैं. एक तरह का एक दिमागी खेल है, ये फिज़िकली नहीं खेला जाता और इनमें दिमाग लगाना पड़ता है इन चेस के गेम में, शतरंज के गेम में. सो इस तरह से ये हो गया चेस बोर्ड एंड चेसमैन एंड ये है शटल कॉक और इसे बैडमिंटन खेलते हैं तब इसका यूज़ करते हैं. सो इस तरह से ये रहे इक्विपमेंट्स यानी गेम खेलने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स के नाम थे वो सारे हैं जिनको हमने रीअरेंज कर लिया है. सो इस तरह से आज की जो वोकैबुलरी है वो कंप्लीट हुई. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.